चलो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इमेज को अपने कंप्यूटर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इस काम को आप अपने फोन में भी कर सकते हो या फिर आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो, तो मैं आपको दोनों तरीका बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहला मेथड उनके लिए होने वाला है जो लैपटॉप यूज नहीं करते हैं। तो सिंपली आपको अपना फोन का ब्राउजर खोल लेना है, आप जो ब्राउजर यूज करते हो, और आपको सिंपली सर्च बार में जाकर लिखना होगा इमेज टू टेक्स्ट, ये कीवर्ड आपको लिखना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगी। आप पहले वाले साइट से भी जाकर ये काम कर सकते हो, बट मैं इमेज टू टेक्स्ट दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करूंगा। आप दूसरे से भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे बोला जाएगा अपनी फोटो को डालने के लिए जिसे आप अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर आप उस इमेज की यहाँ पे यूआरएल या लिंक भी डाल सकते हो। मैं फिलहाल, मुझे कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं एक पिक्चर सिलेक्ट कर लूंगा जिसकी टेक्स्ट मुझे कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसे मैं ओपन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो ये वाली हमारी पिक्चर है जिसपे लिखा हुआ है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे विंडोज का फेक स्क्रीन कैसे ला, और मैं जैसे यहाँ सबमिट पे करूंगा तो ये अब कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाने वाली है। और आप यहाँ देख सकते हो हमारे जो पिक्चर में जो टेक्स्ट थी वो अब कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे विंडोज अपडेट वाला फेक स्क्रीन कैसे ला। उसके बाद आप सिंपली इसे कॉपी कर सकते हो या फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो एज अ टेक्स्ट फाइल में। उसके अलावा आप इस टेक्स्ट को वर्ड फॉर्मेट में भी ले सकते हो या फिर अपने पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे जिसमें आप अपने लैपटॉप का यूज करके आप अपनी इमेज को किसी कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको फटाफट से अपना एमएस वर्ड का ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली वहां पे आपको एक पिक्चर इंसर्ट करना है जिस पिक्चर को आप कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आऊंगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी पिक्चर की। आपको सिंपली पिक्चर पे क्लिक करना है, डिस्क डिवाइस पे क्लिक करना है और आपकी कंप्यूटर की फोल्डर खुल जाने वाली है। उसके बाद आपको उस वाली लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपकी पिक्चर सेव है। मेरी डाउनलोड में, तो मैं डाउनलोड में जाऊंगा और वहाँ आने के बाद आपको वो वाली पिक्चर चूज कर लेनी है जिसको आप कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। सपोज मैं ये वाली पिक्चर चूज कर रही हूँ, मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लूँगा। इसकी मैं थोड़ी रैपिंग भी कर लूँगा यहाँ पे, और रैपिंग करने के बाद मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लूँगा। उसके बाद मैं इसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करूँगा। पीडीएफ के फॉर्म में सेव करने के लिए आपको सिंपली फाइल वाले आइकन पे आना है, और वहाँ आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एज का। तो सेव एज पे क्लिक करना, उसके बाद आपको ये जगह सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। और वहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है, जो कि मुझे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करनी है फिलहाल। तो मैं यहाँ पीडीएफ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक फाइल नाम डाल दूंगा EWQ के नाम से, और मैं यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी जो कि पीडीएफ के फॉर्म में होने वाली है। अगर मैं आपको दिखाऊं मिनिमाइज करके, तो आप देख सकते हो EWQ के नाम से हमारी फाइल पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो गई है। उसके बाद आपको अपने वर्ड को वापस से खोलना होगा, और वापस से खोलने के बाद इस पीडीएफ फाइल को उस वाले वर्ड फॉर्मेट पे इम्पोर्ट करना होगा। इम्पोर्ट करने के लिए आपको वापस से ओपन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ आने के बाद आपको फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना होगा क्योंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। और यहाँ आने के बाद आपको वो वाली फाइल चूज करनी है जिसे आपने पीडीएफ के फॉर्म में सेव किया था। EWQ के नाम से हमने सेव किया, तो हम लोग उसे चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आपकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होती है, तो क्या आप उसे एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और आप यहाँ देख सकते हो हमारी इमेज टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सो दूसरा वाला मेथड आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास एमएस वर्ड का पेड वर्जन मौजूद है। उसके अलावा दूसरा मेथड बहुत सारे पिक्चर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी देता है, बहुत सारे पिक्चर्स को नहीं कर पाता है। सो पहला मेथड आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मेथड से अपने इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। होप सो वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके दिमाग में चल रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो रास्ते में आपको सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा, आप उसे भी दबा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।